नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और मुनमुन सेन के अभिनय से सजी फिल्म शीशा के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म शीशा एक ड्रामा पर आधारित फिल्म है जिसे 3 अक्टूबर 1986 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता हैं सतीश शौरी और फिल्म को निर्देशित किया है बासु चटर्जी ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, मुनमुन सेन, विजयेंद्र घाटगे, मल्लिका साराभाई, अरविंद देशपांडे, सुरेश चटवाल, नंदिता ठाकुर और गुड्डी मारुति ने। फिल्म के गीत लिखे हैं योगेश ने तथा संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 4 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है किशोर कुमार, आशा भोसले और बप्पी लहरी ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है और 58% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 1.2 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह फिल्म शंकर द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास मान सम्मान पर आधारित है। यह कार्यालय में यौन उत्पीड़न के बारे में बनी संभवतः पहली हिंदी फिल्म है। फैक्ट नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती और निर्देशक बासु चटर्जी की एक साथ यह आखिरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले प्रेम विवाह, शौकीन और पसंद अपनी अपनी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म निर्माता बोनी कपूर की सास और बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की नानी सती शौरी द्वारा निर्मित यह पहली फिल्म है और इस फिल्म के बाद 1991 में रिलीज हुई फिल्म फरिश्ते का निर्माण किया था। फैक्ट नंबर 4, निर्माता सती शौरी ने फिल्म देखी और उन्हें यह पसंद नहीं आई। उन्होंने निर्देशक बासु चटर्जी को मिथुन चक्रवर्ती और मुनमुन सेन के बीच एक हॉट गाना फिल्माने के लिए कहा, लेकिन बासु चटर्जी ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया और उनसे कहा कि वह इस तरह की फिल्में नहीं बनाते। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म का रीमेक साल 2013 में इनकार के रूप में बनाया गया था जिसमें अर्जुन रामपाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 6, मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए रेखा से संपर्क किया गया था लेकिन रेखा ने फिल्म करने से मना कर दिया। तब रेखा के इनकार के बाद मुनमुन सेन को साइन किया गया। फैक्ट नंबर 7, कथित तौर पर सती शौरी ने अपने पुराने देनदारों का भुगतान किए बिना फिल्म फरिश्ते के अधिकार पहले ही मुंबई की एक वितरक को बेच दिए थे। उस वितरक ने उनकी पहली फिल्म शीशा को कुछ क्षेत्रों में वितरित किया था और उनके साथ एक अनुबंध किया था कि यदि फिल्म पैसे वसूल नहीं करती है तो वह उनके नुकसान की भरपाई करेंगी। फिल्म ने पैसा तो वसूल नहीं किया लेकिन सती शौरी को अभी तक न सिर्फ वितरक को भुगतान करना था, यहाँ तक कि उन्हें शीशा के निर्देशक बासु चटर्जी और फिल्म के अभिनेताओं में से एक अभिनेता विजयेंद्र को उनके शेष पैसे भी देने थे। जब उस वितरक ने सती शौरी से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वितरक को भुगतान क्यों करना होगा, या कोई फिल्म निर्माता फिल्म नहीं चलने के बाद पैसे वापस करता है। फैक्ट नंबर 8, निर्माता निर्देशक गुड्डू धनोवा सनी देओल को लेकर साल 2001 में शीशा नाम की एक हॉरर फिल्म शुरू की थी लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से फिल्म बंद हो गई। हालांकि बाद में गुड्डू धनोवा शीशा शीर्षक का दोबारा इस्तेमाल किया और एक फिल्म बनाई जो 2005 में रिलीज हुई थी जिसमें सोनू सूद और नेहा धूपिया मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।